तो इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ को जो कि यहाँ पर अभी सूखा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर अभी चेरी ब्लॉसम का टाइम नहीं आया ना। यहाँ पर ली नोटिस करता है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के गरीबों को, हाँ मतलब ये भी अपना कटोरा आगे लेकर बैठा है तो क्या हम इसे भिखारी कहेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं जगहों से यहाँ पर ली और ली के मास्टर होते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर ली के मन के अंदर अभी ये चीज थी सच में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का होना ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ पर जियोंग बिल्ली के इमोशंस को समझ जाता है और वो यहाँ पर ली से पूछता है कि क्या तुम इस जगह को देखकर सरप्राइज हो, तो ली कहता है, जिस पर ली कहता है कि हाँ शायद थोड़ा सा। जियोंग यहाँ पर बताते हैं कि जैसा कि यहाँ पर हमारा गोंगडोंग सेक्टर कमजोर हो चुका है तो यहाँ पर इस वजह से अतीत में भले यहाँ पर हुआंगजी काउंटी के बारे में तुमने क्या कुछ ना सुन रखा हो लेकिन अभी ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन पहले ये जगह यहाँ पर ऐसी नहीं थी, पहले यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर की एक शान हुआ करती थी और ये बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन जैसा कि तुम यहाँ पर अभी देख सकते हो ये जगह यहाँ पर पहले के मुकाबले अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और वैसे भी कोई रूल्स और रेगुलेशन ना होने के कारण यहाँ पर इन सड़कों का वातावरण भी पहले से बदल चुका है। रिको बैंक ग्रुप के बाद यहाँ पर जो शैडो सोसाइटी है यहाँ पर उसने इस जगह को अपने कंट्रोल में अभी ले लिया है। इस बारे में हमें यहाँ पर ये भी बताता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ तो फ्यूचर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि यहाँ पर इस जगह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। सो जो यहाँ पर गोंगडोंग माउंटेन का अभी के लिए अंतिम व्यवसाय है वो यहाँ पर गोंगडोंग इंग है जो कि यहाँ पर अभी भी चल रहा है। अभी लिए यहाँ पर जगह को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि भले यहाँ पर सब कुछ कोलैप्स हो जाए लेकिन यहाँ पर इस जगह का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मेरी फ्यूचर वाइफ है और मैं यहाँ पर आज उससे मिलने वाला हूँ, ऐसा कहते हुए लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। इस दौरान मास्टर जियोंग भी हायुंग को कुछ बता रहे होते हैं बट हायुंग यहाँ पर पीछे देखते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर इसे क्या हुआ, ऐसे कौन से लड्डू यहाँ पर इसके मन के अंदर फूट रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस दौरान ली भी यहाँ पर अंदर की सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि बाहर कुछ भी हो लेकिन अंदर तो लोग देसी पौए में एकदम मजे में है। हम देखते हैं वहाँ पर सीओ वांग वांग नाम के पर्सन को जो कि उस जगह का मालिक होता है और वो यहाँ पर जियोंग को देखते हुए कहता है, मतलब मास्टर जियोंग को देखते हुए कहता है कि अरे बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, चलो वैसे भी वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सीट बुक करके रखी है तो चलो वहाँ पर चलकर पहले बातें करते हैं। इसके बाद वांग गुआंग यहाँ पर मास्टर जियोंग को एक जगह पर बिठाते हुए कहते हैं कि क्या तुम कंफर्टेबल हो, जिस पर मास्टर गुआंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वैसे मुझे यहाँ पर कुछ फैमिलियर डिलीशियस स्मेल आ रही है। पर मिस्टर वांग गुआंग कहते हैं कि वाह ऐसा लगता है कि अभी भी तुम यहाँ पर इस जगह की स्मेल को नहीं भूले। इसके बाद मिस्टर वांग गुआंग यहाँ पर ली को देखते हुए कहते हैं कि वैसे ये बच्चा कौन है, फिर मिस्टर वांग बताते हैं कि वो हमारे सेक्ट का नया डिसाइपल है जिसे कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है सेक्ट के अंदर। इस दौरान ली भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है कि हाँ आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, जिस पर मिस्टर गुआंग कहते हैं कि वाह ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट के अंदर एक नया डिसाइपल आ चुका है। वैसे भी इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर जल्द ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर गोंगडोंग सेक्ट को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जहाँ पर ली उसके लिए उन्हें थैंक्स करता है और हमें बताता है कि ये यहाँ पर किसी के हौसले को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है कि तू ही मेरा नाम रोशन करेगा चाहे उस बोझ के साथ तू डूब मर, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मेरी वाइफ कहाँ पर है, मुझे वो दिखी नहीं, इसे मुझे गेस करना होगा कि वो कहाँ पर हो सकती है, ऐसा कहते हुए ली चारों तरफ देख रहा होता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कुछ लोगों को बात करते हुए जो कि कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि गोंगडोंग मार्शल आर्ट सेक्ट वापस से आ चुका है, और वैसे भी ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर वापस से कोशिश कर रहा है राइज करने की, शायद ही उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। जहाँ पर ली उनकी बातों को सुनते हुए सोच रहा होता है कि क्या इतना गरीब होने के बावजूद भी हम इतने फेमस है जो हमें वो इतनी अटेंशन दे रहे हैं। जहाँ पर जियोंग बिल्ली के मन की बातों को समझ जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ये सब देखकर सरप्राइज हो, चिंता मत करो वो सभी यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट के एक अच्छे मित्र हैं और वो सभी यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि गोंगडोंग सेक्ट यहाँ पर जल्दी रिस्टोर हो जाए। जिस बात को सुनकर ली यहाँ पर उनसे पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों, पर वांग यहाँ पर बताते हैं कि दरअसल गोंगडोंग सेक्ट यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए एक सभ्य स्थली के तौर पर काम करता है और इसके अलावा यहाँ पर ये गोंगडोंग सेक्ट ही था जो कि यहाँ पर शैडो सोसाइटी के खिलाफ खड़ा हुआ था। और वैसे भी यहाँ पर इकट्ठा होने वाले वो सभी लोग जो कि यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट के वापस से रिस्टोर होने की उम्मीद करते हैं वे सभी यहाँ पर आज के दिन इसी वजह से आते हैं ताकि वो यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट की मदद कर सके। इस दौरान हमें यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों को जो कि यहाँ पर पैसों को कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन यहाँ पर उसी पैसों के बैग को उठाकर लेकर आगे आने लगता है और वो यहाँ पर ये सारे पैसे मास्टर जियोंग को देते हुए कहता है कि यहाँ पर आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है और अगर आप यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट को वापस से रिस्टोर करने में इन पैसों का इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। इस पर जियोंग यहाँ पर इसके लिए मना कर देते हैं और वो यहाँ पर बताते हैं कि जल्दी यहाँ पर उनके दोनों डिसाइपल यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट को वापस से रिस्टोर करेंगे और यहाँ पर इसके अनाउंसमेंट चारों तरफ करेंगे। पर सभी लोग यहाँ पर उन तीनों को हीरो हीरो कहकर चिल्लाने लगते हैं लेकिन ली यहाँ पर ये सुनते हुए सोच रहा होता है कि लगता है इन्होंने कोई गलत पैक मार लिया। अब यहाँ पर मास्टर जियोंग वांग से पूछते हैं कि वैसे यहाँ पर तुम्हारी डॉटर का क्या सीओ हारिंग कहाँ पर है, वैसे वो है कहाँ पर, अभी तक मैंने यहाँ पर उसे नहीं देखा। इस पर वांग बताते हैं कि अरे कुछ नहीं, बस वो यहाँ पर थोड़ा पड़ोस में गई हुई है कुछ सामान लाने के लिए। ली को भी यहाँ पर एक झटका सा लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ के बारे में भूल ही गया था, वैसे भी मैंने यहाँ पर उसे एक सेरेमनी के अंदर देखा था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मिस्टर वांग की अकेली डॉटर जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है किसी सफेद फूल की तरीके, सीओ हारिन, प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर मुझे जितना इसके बारे में पता लगा था ये भी यहाँ पर हायुंग के साथ गोंगडोंग सेट को रिकवर करने में बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स को लगा रही थी। जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर हायुंग के पास शायद पास्ट के अंदर किसी वैंगार्ड जितनी ताकत थी, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पर जो सीओ हारिन थी वो यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर हैंडल किया करती थी। सीओ हारिन यहाँ पर यूनिक रेस की मिस्टीरियस ब्यूटी थी जिसे कि लोग कहा करते थे, लोग उसे व्हाइट पाथ की अकेली फ्लावर कहा करते थे जो कि यहाँ पर फ्रॉस्ट मार्शल आर्ट का यूज करती थी। इसका रूथलेस होना इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता लेकिन वो शायद यहाँ पर नेचुरली या फिर अपनी स्किल की वजह से थी।
थी। इस वजह से लोगों के द्वारा यहाँ पर उसे एक निकनेम मिला थी कोल्ड शॉर्ट प्रिंसेस का। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उसका एक क्लब बन चुका था जहाँ पर काफी सारे लोग उसे फॉलो किया करते थे। यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती को देखकर यहाँ पर उसके लिए मरने तक को तैयार थे, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया था। एक बात यहाँ पर एक घटिया से स्माइल करते हुए कहता है कि अब जबकि वो यहाँ पर मेरी होने वाली है, इससे यहाँ पर कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर उसके कितने सारे लोग फॉलोवर बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर दरवाजे पर देखते हुए कहता है कि जल्दी से और मुझे यहाँ पर अपनी खूबसूरत सी अपीयरेंस को दिखाओ। जरा हमें दिखाया जाता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी उम्मीदें थी उसे लेकर, और लेके ही नहीं बल्कि यहाँ पर व्यूअर्स की भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें थी इसे लेकर। लेकिन देखो राइटर ने मुंह दिया तुम्हारी उम्मीदों पर, कहूँ तो मेरी भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बट क्या सोचकर मैंने ये कॉमिक स्टार्ट की थी और क्या क्या देखना पड़ रहा है राइटर की वजह से। पर हमारा तो फिर भी ठीक है, बट लिखी तो यहाँ पर दुनिया ही तबाह हो गई होती है, जहाँ पर ये अपने मन के अंदर कहता है कि क्या ये सच में फ्लावर ऑफ द व्हाइट पाथ की यहाँ पर ये वही सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है? ये छोटी सी बच्ची आखिरकार पास्ट लाइफ में इसने उतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे की होगी? वैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पास्ट में इसकी एज को लेकर मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वैसे इसे देखा जाए तो ये यहाँ पर एम्प्रेस से ज्यादा छोटी होगी, इसका मतलब ये अभी के लिए यहाँ पर मेरे से भी ज्यादा छोटी है। हाँ वैसे ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट यहाँ पर इसका इतना छोटा होना मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं क्रिएट कर रहा है इसे लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक फीलिंग है जो कि यहाँ पर इसे देखकर मेरे दिल के अंदर क्रिएट होती है, यही कि ये यहाँ पर हर वक्त मेरे को एक छोटी बच्ची यानी कि एम्प्रेस की याद दिला दी रहेगी। अगर देखा जाए तो शायद मैंने यहाँ पर एम्प्रेस के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताया था। और यहाँ पर वैंग जो कि यहाँ पर सियो हारिन के फादर है, वो उसे यहाँ पर उसके निकनेम से बुलाते हैं जो कि यहाँ पर लीना होता है, और हम भी अब से यहाँ पर इसे लीना ही कहने वाले हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग कहते हैं लीना से कि इन्हें यहाँ पर ग्रेट करो, ये यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर से हैं जो कि हमारी जगह को आज विजिट करने के लिए आए हैं। इसी के बाद लीना यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट तरीके से ली को ग्रीट करती है, जहाँ पर ली भी इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है, जहाँ पर ली बताता है कि अभी के लिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट क्यों ना हो लेकिन आगे जाकर ये यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लेडी बनेगी जिसके नाम पर तो क्लब वगैरह बनने लग जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर मुझे उसके साइड होकर काम करना चाहिए ताकि मैं आगे जाकर उसका फेवर गेन कर सकूं। वैसे भी उसे यहाँ पर अपनी एक लिटिल सिस्टर बनाना ये काफी ज्यादा रिलायबल चॉइस होगी। और इसी के बाद ली भी यहाँ पर उठते हुए लीना को ग्रीट करता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर का एक नया डिसाइपल हूँ जिसने कि हाल ही में यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर को ज्वाइन किया है, और मेरा नाम ली सियोल है। वैसे मुझे यहाँ पर ली का इंट्रो बहुत ज्यादा बेहतर लगा, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, बट यहाँ पर लीना को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर ली अभी अपनी बात को खत्म ही कर पाता है कि यहाँ पर आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा यंग लेडी, बट यहाँ पर सियो हारिन वहाँ से भाग जाती है। मतलब लीना सियो हारिन दोनों यहाँ पर एक ही पर्सन है। दोनों वैंग यहाँ पर सियो हारिन से कह रहे होते हैं कि वो ज्यादा बुरी बात है, यहाँ पर किसी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सियो हारिन तो यहाँ पर घंटा भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। दोनों वो जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से के अंदर दरवाजे को बंद करती है, शायद कोई पुराना ग्रज होगा उसका इसे लेकर। इसी के बाद जब यहाँ पर सियो हारिन उस जगह से बाहर आ जाती है तो वो यहाँ पर कहती है लेकिन उस स्माइल को याद करते हुए कि आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से हंस कैसे सकते हो जबकि यहाँ पर तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और तुम बस यहाँ पर एक यूजलेस सेक्ट हो जिससे कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ गोंगडोंग सेक्ट। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर अंदर का सीन, जहाँ पर वांग कह रहे होते हैं कि अरे मुझे माफ कर देना, दरअसल यहाँ पर मेरी बेटी अजनबियों के सामने थोड़ी शर्मा जाती है। जिस पर मास्टर जियोंग कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, अभी के लिए वो बस यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ही तो है। बट ली यहाँ पर हमें इस बारे में बताता है कि अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो ये यहाँ पर उसके पास्ट की वजह से होगा। वैसे ये हैरानी की बात नहीं है कि वो यहाँ पर हमें देखकर इतनी ज्यादा गुस्से के अंदर क्यों थी। सही तरीके से कहूँ तो ये इस वजह से है जब यहाँ पर ब्लैक शैडो ग्रुप और हमारे सेट के बीच में लड़ाई हो रही थी, तब जो यहाँ पर उसकी मदर थी वो भी यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में आ गई और मारी गई। वैसे भी यहाँ पर सियो हारिन का गुस्सा करना जायज है, भले ही हम लोग यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर से हों लेकिन हम यहाँ पर किसी को बचा नहीं पाए जो कि उस वक्त यहाँ पर सियो हारिन के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसका यहाँ पर गुस्सा करना जायज है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी गोंगडोंग सेक्टर के लोगों के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहती है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर मुक्त की रोटी खाओ, पेट भरो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर सियो हारिन को बुलाते हुए कहता है कि वैसे क्या तुम्हें थोड़ी सी मदद चाहिए, जिस पर सियो हारिन यहाँ पर कोई रिप्लाई तो नहीं करती है लेकिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर हायुंग बहुत ज्यादा ली के करीब आ चुकी थी, जहाँ पर वो ली से पूछती है कि क्या तुम्हारा पेट भर गया, बट देखते हैं कि यहाँ पर ली की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फट चुकी थी। और अगले ही पल यहाँ पर ली हायुंग से दूर होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पेट के अंदर की जो जगह थी ना उसके अंदर भी जगह नहीं बची। पर हायुंग यहाँ पर और ज्यादा खुश हो जाती है पता नहीं किस बात को लेकर, और यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये जानकर कि तुमने इसे इंजॉय किया। इस दौरान ली भी यहाँ पर उसके चमकते हुए चेहरे को देखकर कहता है कि एक पल के लिए तो मेरी फटी गई थी, लेकिन अगर देखा जाए अभी के लिए तो मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर से बहुत ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर यहाँ पर सियो हारिन सेक्ट को ज्वाइन करती है तो सीनियर ब्रदर तो यहाँ पर मेरा नंबर वन स्पोर्ट खा ही जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ कर भी पाऊंगा। मास्टर जियोंग यहाँ पर ली से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर अपने खाने को एंजॉय किया, तो ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो इतना डिलीशियस था ना कि मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पर सेक्टर के खाने को छोड़कर यहाँ पर मुझे इसे खाने के लिए रोज आना चाहिए। इसी के बाद ली यहाँ पर इस जगह के बारे में भी दो बात कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये जगह यहाँ पर गोंगडोंग सेक्टर को रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पर ये जगह इसके लिए कितना कुछ कर रही है, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी से देखकर और कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं यहाँ पर आगे जाकर इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकूँ, और मैं इसीलिए यहाँ पर आगे जाकर एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और यहाँ पर आगे जाकर इस जगह को सपोर्ट करूंगा। फिर मास्टर जियोंग मिला है कि हाँ तुम्हारा भाषण बहुत ज्यादा अच्छा था, अभी के लिए बैठ जाओ, और वैसे भी तुम्हारी बात सुनकर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर इस जगह को विजिट करने के लिए हर महीने तो आना ही चाहिए। यहाँ पर जियोंग जैसे इस बात को सुनता है वो
यहाँ पर उन्हें इसके लिए थैंक्स करता है। लेकिन हम देखते हैं ली के फेस पर एक क्रीपी से स्माइल को। अब मुझे नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बट हम आगे देखते हैं। रात का सीन, और ली यहाँ पर गोंगनोंग सेक्ट के अंदर आ चुका है जहाँ पर वो अभी अपने कमरे के अंदर होता है। इस दौरान ली यहाँ पर अपने कपड़े से कुछ निकालते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर हायों के खिलाफ खड़ा होने के लिए यहाँ पर खुद को अलग तरीके से ट्रेन करना होगा। और ऐसा कहकर ली यहाँ पर अपने पास से एक छोटे से पत्थर को निकालता है और यहाँ पर किसी एक्सरसाइज का नाम बताता है कि तुम यहाँ पर आगे के पेजेस को देखते हुए खुद ब खुद समझ जाओगे। अली ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए तुरंत अपनी पैंट निकाल दी होती है। इस दौरान ली यहाँ पर उस पत्थर को कहीं पर बांधते हुए कहता है कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करने से उसकी वाइटलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो उसका खंजर है वो यहाँ पर पहले से ज्यादा शार्प हो जाएगा। और इसी के बाद ली यहाँ पर अपने चारों तरफ अपनी इनर एनर्जी को फैलाते हुए कहता है कि मसाला उसे यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट की केव से मिली है, और जैसा कि यहाँ पर सेलेस्टियल लॉर्ड ने बताया था, तो अब यहाँ पर वक्त है इसे ट्राई करने का। और इसी के बाद ली यहाँ पर अपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी एक्सरसाइज के अंदर, मतलब अपनी प्रैक्टिस के अंदर लग जाता है। और ऐसे ली यहाँ पर काफी लंबे वक्त तक इसकी प्रैक्टिस करता रहता है, जहाँ पर सुबह से शाम नहीं बल्कि यहाँ पर सीजन ही चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इसे गुजरते हुए वक्त के साथ ली अपने वेट को बढ़ा भी रहा था। यहाँ पर उसने स्टार्ट तो एक छोटे से पत्थर से किया होता है, बट अभी वो यहाँ पर एक ईंट तक पहुँच गया होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक साल का स्किप दिखाया जाता है। इसका मतलब एक साल ही होता है ना। हाँ, मतलब क्या पता आगे जाकर यहाँ पर राइटर ने सस्ते से कर लिए। तो जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली की ट्रेनिंग का रिजल्ट, मतलब उतना भी नहीं दिखा दिया जाता है, बट यहाँ पर उस रिजल्ट से अलग ही चमक आ रही होती है। और ली यहाँ पर उस भारी से पत्थर को ड्रॉप करते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं यहाँ पर एक अल्फा मेल बन चुका हूँ, और यहाँ पर बस कुछ पत्थरों को बांध कर जिगल जिगल करने से मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर इसके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा, और इतनी इम्प्रूवमेंट के बाद तो मैं यहाँ पर किसी लेजेंडरी मास्टर जैसा बन चुका हूँ। इसी के बाद ली यहाँ पर अपनी मेडिटेशन पोजीशन में आते हुए कहता है कि अभी के लिए यहाँ पर अपने यांग कीवाई का इस्तेमाल करने का ये सही वक्त है। जैसे ही ली यहाँ पर अपने यांग कीवाई का इस्तेमाल करता है, तभी यहाँ पर उसके नीचे से एक अलग से ही लाइट आने लगती है। और इसी के बाद ली को यहाँ पर रियलाइज होता है कि लाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, रात होती तो पूरा सेक्ट ही जगमगा उठता। और देखो ली के कपड़े यहाँ पर उस लाइट को नहीं रोक पा रहे होते हैं, जहाँ पर ली कहता है कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि बाहर इसका ये इफेक्ट दिख रहा है। और ली यहाँ पर इसी के साथ अपने मन के अंदर कहता है कि उस केव के अंदर मिक्स ओरिजिन शॉट टेक्निक का सामना करने के बाद अभी के लिए मुझे लगता है कि जो यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट थी उस पर यहाँ पर गलत असर हो गया है। मैं यहाँ पर जब भी इसके अंदर अपने यांग कीवाई का इस्तेमाल करता हूँ, तब ये चीज यहाँ पर इस तरीके से बड़ी कैसे हो जाती है। आखिरकार मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर इसे कैसे रोकूंगा। वैसे भी यहाँ पर ऐसा करने पर मैं यहाँ पर किसी हवस के भूखे इंसान जैसा लगता हूँ, और वैसे भी ऐसे तो यहाँ पर ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे से दूर भागेंगी। देखो सिंपल वे में कहूँ तो ली यहाँ पर बता रहा होता है कि जैसे वो यहाँ पर अपने यांग कीवाई का इस्तेमाल करेगा तो उसकी ताकत का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती से कुछ और भी बढ़ जाएगा तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सोने पे सुहागा हम देखते हैं कितनी बेहतरीन सिचुएशन में यहाँ पर ली को बुलाने के लिए हायुंग भी आ जाती है। और ली यहाँ पर इस आवाज को सुनकर गुस्से में अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि लो वैसे यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं है और इसे अभी ही आना था। इसके बाद ली यहाँ पर किसी तरीके से अपने सामान को कंट्रोल करता है और यहाँ पर गेट से बाहर आते हुए कहता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर। इस पर हायुंग यहाँ पर इसे पूछती है कि वैसे क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं कुछ गलत तो नहीं लगे। जिस पर ली भी लाइक की नहीं नहीं सब ठीक है। इसके बाद ली यहाँ पर हायुंग से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर हायुंग बताती है कि अरे तुम भूल गए, आज यहाँ पर हम लोग सेक्टर से बाहर जाने वाले हैं इंग में खाना खाने के लिए। और वैसे भी मास्टर ने यहाँ पर कहा है कि हमें यहाँ पर होजोंग काउंटी के अंदर जाना है, तो तुम यहाँ पर अपना समय लो और तैयार हो जाओ और जल्दी चलो। और ये सब बताकर हायुंग वहाँ से तुरंत चली जाती है, जहाँ पर ली सोच रहा होता है कि वो ये सब बताते हुए दूसरी तरफ क्यों देख रही थी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अभी तक उन्होंने मेरी सिचुएशन को नोटिस ना किया हो, और ऐसा लगता है हाल ही में कि सीनियर ब्रदर थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। हाँ, मतलब मैं यहाँ पर जब भी उन्हें देखता हूँ वो यहाँ पर पिछली बार से ज्यादा ही अधिक खूबसूरत लगने लगते हैं मुझे। वैसे सच कहूँ तो लोग आँख के अंधे होते हैं, लेकिन ली तो यहाँ पर अकल का अंधा है। एक साल में तो अंधा भी पता कर लेता है कि मेरे साथ कोई लड़की है। लेकिन पता नहीं ली ने यहाँ पर कौन से नशे कर रखे हैं कि अभी तक उसे कुछ पता ही नहीं लगा। इसी के बाद हमारा सीन यहाँ पर सीओ हारिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो ली की टेबल पर चाय वगैरह सर्व कर रही होती है। जहाँ पर जब वो जाने लगती है तो ली यहाँ पर उसे इसके लिए थैंक्स करता है, लेकिन वो ध्यान भी नहीं देती ली के ऊपर। लेकिन ली तो यहाँ पर इसे भी देखकर खुश हो रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि भले वो यहाँ पर गुस्से में ना हो, लेकिन वो बस मुझे अवॉइड कर रही है। अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग के मुकाबले अभी की सिचुएशन ज्यादा बेहतर है, बट इसके बावजूद भी मैं अभी भी यहाँ पर उसके लिए एक अजनबी के अलावा और कुछ नहीं हूँ। इसी के बाद ली यहाँ पर अपने आसपास देखते हुए कहता है कि वैसे अभी के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों नहीं है। और हायुंग भी यहाँ पर इस बात को सुनते हुए कहती है कि जूनियर ऐसा लगता है कि तुमने भी यहाँ पर इसे नोटिस कर ही लिया है। वैसे पहले भी मैंने यहाँ पर जगह को इतना खाली कभी नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज कुछ ज्यादा ही खाली है। ली और हायुंग के पास यहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर मिस्टर वैंग होते हैं, और वो यहाँ पर ली और हायुंग को दोनों को ग्रीट करते हैं जेंटलमैन कहते हुए। दोनों ली भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इनकी कंडीशन यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही है। इसके बाद मिस्टर वैंग पूछते हैं कि वैसे यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो। जिस पर ली बताता है कि अगर आपका मतलब यहाँ पर उबले हुए अंडों और यहाँ पर एक बाउल नूडल्स है तो हाँ बिल्कुल। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अभी इसे तैयार कर देता हूँ, और ऐसा कहकर जब वो जाने लगते हैं तब वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से यहाँ पर ये तीनों ही घबरा चुके थे। जिसके बाद ली और सियावरिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मिस्टर वैंग को उठाने में मदद करते हैं, जहाँ पर मिस्टर वैंग उठते हुए कह रहे होते हैं कि मैं ठीक हूँ, ऐसा लगता है कि गलती से मैंने यहाँ पर खुद को ही एम्बैरेस कर लिया। जिस बात को सुनकर ली यहाँ पर उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर इस तरीके से बातों को छिपाना बंद कीजिए, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आप यहाँ पर चाहते हैं कि गोंगडोंग सेक्ट को यहाँ पर इस बारे में ना पता लगे। वैसे भी यहाँ के सारे लोग कहाँ पर गए। जिस पर मिस्टर वैंग यहाँ पर घबराते हुए कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर हाल ही में आपको ये बात बताने वाला था। दरअसल यहाँ पर लोग इसलिए नहीं है क्योंकि ये जगह यहाँ पर जल्दी बंद होने
होने वाली है। जहाँ पर मिस्टर वैंग इस बारे में भी बताते हैं कि सब यहाँ पर ये शैडो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। हाल ही में उन्होंने यहाँ पर होजांग काउंटी के अंदर यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ा लिया और इस वजह से वो लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस के नाम पर यहाँ के जो व्यापारी हैं यहाँ पर उनसे बहुत ज्यादा ही पैसा ले रहे हैं। और हाल ही में वो लोग यहाँ पर इस जगह पर विजिट करने के लिए आए थे जिस वजह से उन्हें यहाँ पर ये जगह पसंद आ गई और इसी के बाद उन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस के नाम पर हमसे ये जगह मांग ली। लेकिन जब हमने इसे देने से मना कर दिया तो जिन लोगों के साथ हम यहाँ पर काम किया करते थे या फिर जिन मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम लोग जुड़े हुए थे मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर उन शैडो सोसाइटी के लोगों ने धमकाया था कि वो लोग यहाँ पर हमारे साथ काम न करें। यहाँ तक कि जो ग्राहक यहाँ पर अक्सर आया करते थे शैडो सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर उन्हें भी मारकर भगा दिया। और हमने यहाँ पर सहन करने का पूरा ट्राई किया लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा और इस वजह से हमारा जो डेब्ट है तो यहाँ पर हमारा कर्ज है प्रोटेक्शन फीस वाला वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी डॉटर इन सारी चीजों के बीच में खतरे में आए। तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है जगह को बंद करने के अलावा। और लीव यहाँ पर इन बातों को सुनते हुए सोच रहा होता है कि क्या पास्ट लाइफ में सीओ आरिन जो यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट को ज्वाइन करती है क्या उसके यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट को ज्वाइन करने के पीछे भी यही वजह थी या फिर ऐसा हो सकता है कि सीओ हारिन के फादर यहाँ पर मिस्टर वैंग इन्होंने इस चीज को डिसाइड किया होता कि यहाँ पर वो अपनी डॉटर को यहाँ पर शैडो सोसाइटी के हैरेसमेंट से बचा सके। वैसे फिलहाल के लिए अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो शैडो सोसाइटी यहाँ पर एक ठगों का समूह है और अगर मुझे यहाँ पर इस बारे में सही से याद है तो शायद यहाँ पर इनके बैकअप में वही सिचुआन का ब्लैक ड्रैगन सेक्ट है। और वैसे भी मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर अभी इसी वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें लगता है कि जो गोंगडोंग सेक्ट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है पावरलेस होने की वजह से गोंगडोंग सेक्ट यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। वैसे सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर इनके लिए बुरा लग रहा है लेकिन जो यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया कॉन्फ्लिक्ट और उसकी कैजुअलिटी से बचने के लिए यहाँ पर इन लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। तभी हम देखते हैं दरवाजा तोड़ते हुए कोई अंदर आता है लेकिन इतना ऊंचा पैर कौन उठाता है और इस तरीके के सरप्राइजिंग एंट्री की वजह से ये लोग भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। हमें यहाँ पर दरवाजे पर तीन लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि जैसा कि तुम यहाँ पर अपना डेब्ट पे नहीं कर पाए हो तो अभी के लिए जो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है वो तुम्हें हमें सौंपना होगा। और इस दौरान यहाँ पर एक पर्सन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि हमने तुम्हें पहले ही कई बार चेतावनी दे दी थी और जैसा कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है। इसी के बाद वो पर्सन यहाँ पर सीओ हारिन को पकड़ते हुए कहता है कि तो इसीलिए तुम यहाँ पर पैसे के तौर पर अपनी डॉटर को हमें सेल कर सकते हो। हायू को यहाँ पर सब देखकर गुस्सा आ जाता है जहाँ पर हायू उठते हुए कह रही होती है कि तुम इस कमबक कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन ली तो यहाँ पर फुल सीरियसनेस के साथ यहाँ पर पूरी पिक्चर को एंजॉय कर रहा होता है। और इस दौरान सीओ हारिन यहाँ पर दौड़कर अपने फादर के पास जाने का ट्राई तो करती है लेकिन वो पर्सन यहाँ पर सीओ हारिन को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। जिस दौरान वो यहाँ पर सीओ हारिन के फेस को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी बिल्कुल तुम्हारी तरह और बहुत ज्यादा पोलाइट इसलिए अब से यहाँ पर तुम अपना डेब्ट पे करने के लिए हमारे लिए काम करोगी। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो ऐसा लगता है कि तुम आगे जाकर अपनी मदर से भी ज्यादा खूबसूरत होगी तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर इस तरीके से अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो और हमारे साथ शांति से लो यहाँ पर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी ली यहाँ पर धीरे से कहता है कि क्या सच में लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है। जहाँ पर वो पर्सन इस चीज को सुन तो नहीं पाता है लेकिन तब तक ली ने यहाँ पर उसके ऊपर अपने चॉपस्टिक से अटैक कर दिया था। ली का जो अटैक था वो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्टिक यहाँ पर उस पर्सन के हैंड के अंदर घुस जाती है जिस वजह से उस पर्सन को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छा खासा पेन होने लगता है। इस पर उसके दोनों साथी यहाँ पर उसे कवर करते हुए कहते हैं कि आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पर हमारे मैटर के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। इस पर ली का रिप्लाई कि क्या अभी तक तुम्हें यहाँ पर पता नहीं लगा अभी मैंने उसके हाथ में चॉपस्टिक फेंक के मारी थी। इस पर टकला यहाँ पर ली के कपड़ों को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे कपड़े और यहाँ पर इसका डिजाइन क्या तुम यहाँ पर गोंगडोंग सेक्ट से वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जिस पर जो वो तीसरा पर्सन होता है जिसके हाथों में चॉपस्टिक लगी थी वो पर्सन यहाँ पर कह रहा था घबराते हुए कि भाइयों क्या तुम यहाँ पर सच में उसके कपड़े और यहाँ पर उसके कपड़ों के डिजाइन ही देखे क्या तुम उसके कपड़ों के बीच में वो तीसरी चीज नहीं देख पा रहे हो आखिरकार वो चीज यहाँ पर इस वक्त इस कंडीशन में क्यों है और इस पर्सन के यहाँ पर इरादे क्या है। जिस दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा बैडस लग रहा था।